नमस्कार साथियों, मैं पवन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मालाराम सर पर। अपन हरियाणा जीके पढ़ रहे थे। हरियाणा जीके के अंदर अपन ने फरीदाबाद डिवीज़न पढ़ रहे थे। फरीदाबाद डिवीज़न अपने फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिया था। आज फरीदाबाद डिवीज़न का ही अगला डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे, पलवल। पलवल अपन पढ़ेंगे आज। पलवल, सबसे पहले पलवल की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 2008 को। पलवल की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 2008 को पलवल की स्थापना हुई थी। पलवल का क्षेत्रफल कितना है? पलवल का एरिया की बात करें तो 1359 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1359 वर्ग किलोमीटर, 1359 वर्ग किलोमीटर एरिया है पलवल का। आगे बात करें अपन पलवल की। पलवल के अंदर जो होडल सीट है, कौन सी सीट? होडल सीट है विधानसभा की, वो क्या है? आरक्षित है। पलवल के अंदर होडल सीट जो है ना, वो क्या है? आरक्षित सीट है। मैंने आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया उसमें 17 हर डिस्ट्रिक्ट में आपको जहाँ की जो सीट आरक्षित थी वो बताई। जिस डिस्ट्रिक्ट में सीट आरक्षित नहीं थी मैंने वो सारे डिस्ट्रिक्ट बताए जिनमें सीट आरक्षित नहीं है विधानसभा की। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के अंदर हरियाणा के अंदर टोटल 90 सीट हैं, आप सभी को पता होगा। कितनी सीट हैं टोटल? 90 सीट हैं। 90 सीटों में से 17 सीट क्या है? आरक्षित हैं। 17 सीट क्या हैं? आरक्षित हैं। 17 डिस्ट्रिक्टों के अंदर एक एक सीट आरक्षित है। इसके अलावा 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें कोई सीट आरक्षित नहीं है, कोई सीट आरक्षित नहीं है। कौन कौन से थे? 5 मैंने बताया था आपको, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट बताया था, दादरी बताया था, पंचकुला बताया था, और फरीदाबाद और मेवात बताया था। जो फरीदाबाद डिवीजन है इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें कोई विधानसभा सीट आरक्षित नहीं है, एक तो मेवात है और एक फरीदाबाद खुद है। फरीदाबाद एरिया के अंदर सबसे छोटा जिला है हरियाणा का, 741 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका। सबसे बड़े की बात करें तो सिरसा है, 4270 वर्ग किलोमीटर एरिया है उसका। चलो आगे, फरीदाबाद अपन इसकी बात कर रहे थे पलवल की। तो पलवल के अंदर होडल सीट क्या है? आरक्षित है। पलवल का उपनाम क्या है? पलवल को कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। कॉटन सिटी किस नाम से जाना जाता है? पलवल को कॉटन सिटी, कॉटन सिटी। पलवल को किस नाम से जाना जाता है? कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है, कॉटन सिटी। आगे बात करें अपन पलवल की। तो पलवल है ये फरीदाबाद डिवीजन में पड़ता है। कौन से डिवीजन में पड़ता है जी? फरीदाबाद डिवीजन। पलवल कौन से डिवीजन में पड़ता है? फरीदाबाद डिवीजन में पड़ता है, फरीदाबाद मंडल में। मंडल मैंने आपको बताया था हरियाणा के अंदर कितने हैं? 6 मंडल हैं। घर का क्या फायदा? ये बताए थे ना जी। फोर मैंने आपको गुरुग्राम बताया था, पहले से गुड़गांव मसानी के नाम से जाना जाता था, 2016 में इसका नाम चेंज करके इसका गुरुग्राम कर दिया गया। H4 मैंने आपको हिसार बताए थे, जो हिसार में डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं मैंने वो सारे पढ़ाए भी आपको। A4 अब मैंने आपको अंबाला बताया था। R4 मैंने आपको रोहतक बताया था। K4 मैंने आपको करनाल बताया था। F4 मैंने आपको फरीदाबाद बताया था। ये 6 डिवीजन मैंने आपको बताए थे। तो जो पलवल डिस्ट्रिक्ट है वो किस में पड़ता है? फरीदाबाद डिवीजन में पड़ता है। गुड़गांव अपन पढ़ चुके हैं, हिसार अपन पढ़ चुके हैं, अंबाला डिवीजन, रोहतक डिवीजन, ये 4 डिवीजन पूरे कर लिए। फरीदाबाद का एक जिला बचा है, कल फरीदाबाद ही पूरा हो जाएगा, फिर केवल अपना करनाल डिवीजन बचेगा अकेला। तो अपन बात करते हैं जो पलवल है ये फरीदाबाद डिवीजन के अंदर है। फरीदाबाद डिवीजन कब बना था? 2017 के अंदर दो नए डिवीजन बने थे 2017 के अंदर, करनाल और फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद कब बने थे? 2017 में बने थे। करनाल और फरीदाबाद डिवीजन कब बने थे? 2017 में बने थे। फरीदाबाद मैंने आपको बताया कि पहला नगर निगम हुआ करता था हरियाणा का, 1994 के अंदर बना था। टोटल 11 नगर निगम मैंने बताया, मानेसर नया था। चलो आगे बात करते हैं। फरीदाबाद डिवीजन के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं। पहला फरीदाबाद खुद पढ़ता है, दूसरा पलवल आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ता है, और तीसरे की बात करें तो है मेवात, सत्यमेवपुरम भी कहा जाता था इसे पहले, सत्यमेवपुरम। इसे नूबी कहा जाता है, तीन नाम है इसके। 3 डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं फरीदाबाद में, 2017 के अंदर बना था।
तो मैंने आपको बताया पलवल की स्थापना 15 अगस्त 2008 को हुई। इसका एरिया है वो 1359 वर्ग किलोमीटर है। इसे कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। फरीदाबाद डिवीजन में पड़ता है, फरीदाबाद मंडल में पड़ता है। फरीदाबाद मंडल में 3 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, फरीदाबाद खुद है, पलवल और नूह है, मेवात इसे बोलते हैं। फरीदाबाद मंडल की स्थापना 2017 में हुई, ये बात मैंने आपको बता दी। 2017 के अंदर ही करनाल जो मंडल है उसकी स्थापना हुई। अगर बात करें अपन होडल की, तो होडल विधानसभा की सीट है जो आरक्षित है, पलवल के अंदर स्थित है, ठीक है। फरीदाबाद में कोई सीट आरक्षित नहीं थी, ना ही मेवात में होगी, ना अपने महेंद्रगढ़ में थी, ना दादरी में, और ना ही पंचकूला में थी। 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें कोई सीट आरक्षित नहीं है। चलो आगे बात करते हैं अपन पलवल की। मैंने आपको बताया कि पलवल को कॉटन सिटी कहा जाता है। एक आपने कभी सुना हो, जब अपन हरियाणा जी के स्टार्ट करते हैं या फिर हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ते हैं कि हरियाणा कैसे बना था, कौन कौन से आयोग बने थे हरियाणा में, तो आपने एक सहा आयोग का नाम सुना होगा। सहा आयोग, सहा आयोग का नाम सुना होगा। जो सहा आयोग के अनुसार, सहा आयोग के अनुसार पलवल था वो हरियाणा का हिस्सा नहीं हुआ करता था। जो सहा आयोग था, सहा आयोग के अंदर जो हरियाणा का मैप था या जो हरियाणा जितना बनना था ना, जो हरियाणा की बाउंड्री थी, उसके अंदर पलवल हरियाणा में नहीं काउंट किया गया था, कि पलवल हरियाणा से बाहर माना गया था सहा आयोग के अंदर। लेकिन जब हरियाणा बना था, पलवल हरियाणा में, हरियाणा में था। पलवल की स्थापना 2008 के अंदर हुई थी, मैंने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट की। आगे बात करते हैं पलवल के बारे में। पलवल, पलवल, पलवल के अंदर एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पे? पलवल के अंदर। मैंने आपको जब कल फरीदाबाद, पिछले वीडियो में फरीदाबाद पढ़ाया था 2-3 दिन पहले, उसमें आपको अरावली गोल्फ स्टेडियम बताया था, वो कहाँ पे? फरीदाबाद में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पे? पलवल में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आएगा तो अपने को एक याद रखनी है, महात्मा गांधी आश्रम भी वहीं पे है। महात्मा गांधी आश्रम, महात्मा गांधी का आश्रम है कहाँ पे? महात्मा गांधी जी का आश्रम कहाँ पे? वो भी पलवल में ही है। महात्मा गांधी आश्रम कहाँ पे? पलवल में ही है। इसकी स्थापना 1938 कब हुई थी? 1938 के अंदर हुई। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी इसकी स्थापना। सुभाष चंद्र बोस नेताजी थे ना, अपने नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उस टाइम पे तो एक नेता हुआ करते थे, दो नेता हुआ करते थे, आजकल तो घर घर नेता हो रहे हैं। मैंने आपको बताया पलवल के अंदर क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम है जो पलवल के अंदर है। एक महात्मा गांधी, महात्मा गांधी आश्रम, महात्मा गांधी आश्रम है, महात्मा केला नहीं, महात्मा गांधी आश्रम। महात्मा गांधी आश्रम कहाँ पे? ये भी कहाँ? पलवल के अंदर है। इसकी स्थापना 1938 के अंदर हुई थी। किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। महात्मा गांधी जी का नाम आ गया तो अपन एक चीज और देख लो, महात्मा गांधी जी को पहली बार हरियाणा से अरेस्ट कहाँ किया गया था? 10 अप्रैल 1919 की बात है, 10 अप्रैल 1919 की बात है। जब महात्मा गांधी जी पलवल आए थे तो महात्मा गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन से, कहां से? पलवल रेलवे स्टेशन से, पलवल रेलवे स्टेशन, पलवल रेलवे स्टेशन, महात्मा गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था 10 अप्रैल 1919 की बात है। तो मैंने आपको बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पे? पलवल के अंदर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम से अपने को याद है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही महात्मा गांधी आश्रम बनवाया था। महात्मा गांधी आश्रम कहाँ पे स्थित है? ये भी पलवल के अंदर है। कब बना था? 1938 के अंदर बना था। किसने बनवाया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनवाया था। आगे बात करें, महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार कहाँ से किया गया था हरियाणा के अंदर? 10 अप्रैल 1919 पलवल रेलवे स्टेशन से किया गया था। यह प्रश्न बहुत बार HSSC पूछ चुकी है कि महात्मा गांधी जी को पहली बार कहां से गिरफ्तार, हरियाणा में कहां से गिरफ्तार किया गया था और कब गिरफ्तार किया गया था।
तो आपको याद रखना है कि पहली बार हरियाणा के अंदर महात्मा गांधी जी को 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। कहां से गिरफ्तार किया गया था? पलवल रेलवे स्टेशन से। चलो आगे बात करते हैं अपन पलवल की। पलवल के अंदर एक डबचिक झील है, डबचिक झील या डबचिक पर्यटक स्थल भी है। झील के साथ में क्या है इसका? पर्यटक स्थल है डबचिक झील। कहां पे? डबचिक झील ये पलवल के अंदर है। डबचिक झील, बड़खल झील मैंने आपको बताया, फरीदाबाद, उनको याद करने का एक तरीका बताया था मैंने आपको कि राजा सूरजमल सिंह तोमर के धौंस के आगे बड़े बड़े मायूस हो जाते हैं, ये बात बताई थी मैंने आपको, ये तरीका बताया था याद करने का। बड़े बड़े जो बड़खल झील थी जो 1947 के अंदर फरीदाबाद में बनाई गई थी, हरियाणा के सिंचाई उद्देश्य से बना, उद्देश्य उसका क्या था? सिंचाई करना हरियाणा के अंदर, फरीदाबाद के अंदर। आगे बात करते हैं पलवल की। तो पलवल के अंदर एक दाऊजी का मंदिर है, दाऊजी का मंदिर कहां पे है? पलवल के अंदर एक किशोरी महल है। पलवल में क्या है? किशोरी महल कहां पे है? वे भी पलवल के अंदर है। एक 12 खंबा छतरी है। क्या है? 12 खंबी छतरी है, ये भी कहां पे? पलवल के अंदर है। एक पंचवटी जी का मंदिर है, पंचवटी मंदिर है। क्या है जी? एक पंचवटी मंदिर है पलवल के अंदर। देखो जी, एक तो दाऊ जी का मंदिर है, बड़ा फेमस मंदिर है। किशोरी महल है, HSSC बहुत बार पूछ चुकी इसी, किशोरी महल कहां पे अवस्थित है, ये भी कहां पे है? पलवल में। एक 12 खंबा की छतरी बहुत फेमस है, ये भी कम से कम 4-5 बार पूछा गया है। एक पंचवटी मंदिर है, ये भी कहां पे है? पलवल के अंदर है। चलो आगे बात करते हैं पलवल की। तो पलवल में एक हसनपुर जगह है, हसनपुर, ये हसनपुर ना कि हस्तिनापुर, हसनपुर जगह है जहां से यमुना नदी, वो हरियाणा का लास्ट, जहां यमुना नदी बहती है हरियाणा के अंदर लास्ट, वो क्या है? हसनपुर है। हसनपुर के जस्ट आगे यूपी स्टार्ट हो जाता है और यमुना नदी यूपी में चली जाती है। यमुना नदी के बारे में थोड़ी बहुत बात करें तो अपन, आपको पता होना चाहिए यमुना नदी सूर्यपुत्री कहा जाता है। हरियाणा की एकमात्र नित्य वाहिनी नदी है, नित्य वाहिनी नदी है सूर्यपुत्री कहा जाता है इसे। वर्तमान हरियाणा इसी के किनारे अवस्थित है। क्या जी? वर्तमान हरियाणा यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक। और बात करें अपन, अगर पुराने हरियाणा की बात करें, किसकी? प्राचीन हरियाणा वो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। अच्छा जी, यमुना नदी निकलती कहाँ से? यमुना नदी है ये बंदरपुर चोटी, गढ़वाल पर्वत के अंदर, यहाँ लिख लो गढ़वाल हिमालय की बंदरपूंछ चोटी से निकलती है। बंदरपूंछ चोटी से निकलती है, यमुनोत्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यमुनोत्री। जो ये यमुना नदी है ये गढ़वाल हिमालय से निकलती है। गढ़वाल हिमालय की एक बंदरपूंछ चोटी होती है, वहां से निकलती है। इस जगह को यमुनोत्री भी कहा जाता है। एकमात्र नित्य वाहिनी नदी है यमुना नदी, सूर्य बेटी की पुत्री कहा जाता है इसे। वर्तमान हरियाणा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ये गंगा की सहायक नदी है,
गंगा की सहायक नदी है ये, हरियाणा के अंदर ताजे वाले बैराज है ना, ताजे वाला, ये हथनी कुंड बोल देते जी, ये हरियाणा के अंदर ताजे वाला या हथनी कुंड कहां पे स्थित है, कलेश्वर यमुनानगर में, कहां पे है दिख रहे ना, कलेश्वर यमुनानगर के अंदर, वहां से तो एंट्री करती है, कहां से एंट्री करती है, हरियाणा के अंदर ताजे वाला या हथनी कुंड बैराज के अंदर से एंट्री करती है। और हसनपुर मैंने आपको बताया जो पलवल के अंदर, कौन सा है, हसनपुर, हसनपुर तक बहती है हरियाणा के अंदर, जो हरियाणा और यूपी के अंदर एक क्या दोनों को डिवाइड करते, बीचों बीच बहती आती है, यमुनानगर होते हुए फिर बाद में करनाल, यहाँ से सोनीपत पानीपत होते हुए सीधा बहती हुई पलवल के अंदर आती है, पलवल में हसनपुर जगह है वहां से निकलती है, इसके बाद में क्या यूपी स्टार्ट हो जाता है, क्या स्टार्ट हो जाता है, यूपी स्टार्ट हो जाता है। चलो आगे बात करते, अपन पलवल की बात कर रहे थे। एक माटिया का किला है पलवल में, क्या है कि माटिया का किला है, बड़ा फेमस है, बहुत बार HSSC पूछ चुकी है, दाऊद जी का मंदिर है एक, किशोरी महल है एक, 12 खंबी छतरी है, एक पंचवटी मंदिर है, और एक क्या है माटिया का किला है, माटिया का किला कहाँ पे, ये भी पलवल के अंदर है। चलो आगे बात करते हैं पलवल की, मैंने आपको बताया नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल के अंदर है, महात्मा गांधी आश्रम 1938 के अंदर स्थापना हुई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने बनवाया था ये, महात्मा गांधी जी का नाम आया तो 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी हरियाणा के अंदर पहली बार गिरफ्तार पलवल स्टेशन से हुए थे। एक 1857 की क्रांति की बात करूं, 1857 की क्रांति का नेतृत्व पलवल से किसने किया था, गफूर अली ने किया था, किसने किया था, गफूर अली ने किया था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की बात करें, 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी, कहां से स्टार्ट हुई थी, यूपी में मेरठ से, 10 अप्रैल यूपी में मेरठ से स्टार्ट हुई, 10 मई 1857 की बात है। हरियाणा के अंदर कहां से स्टार्ट हुई, अंबाला से स्टार्ट हुई थी। पलवल के अंदर इसका नेतृत्व तो किसने किया था, गफूर अली ने, गफूर अली ने इसका नेतृत्व तो किया था। कल मैंने फरीदाबाद पढ़ाया था आपको पिछले वीडियो में, फरीदाबाद ने किसने किया था, राजा नाहर सिंह ने किया था। फरीदाबाद की बात करें अपन, या बल्लभगढ़, पहले इसका नाम बल्लभगढ़ हुआ करता था, अभी इसका नाम चेंज कर बलरामगढ़ कर दिया गया। बल्लभगढ़ से नेतृत्व तो किसने किया था, राजा नाहर सिंह ने किया था, राजा नाहर सिंह ने किया था। फिर 1858 के अंदर राजा नाहर सिंह पकड़े गए थे, और 1858 में इन्हें चांदनी चौक थी ना दिल्ली में, वहां पे क्या लगाई गई थी, फांसी लगाई गई थी चांदनी चौक पर, राजा नाहर सिंह को चांदनी चौक पर फांसी लगाई गई थी। चलो आगे पलवल की बात करते अपन, एक काशीराम जी की हवेली, ऐसे अटपटे प्रश्न HSSC बहुत बार पूछती है, काशीराम जी की हवेली, काशीराम जी की हवेली कहां पे, चौधरी काशीराम जी की हवेली कहां पे, ये भी पलवल के अंदर है। एक यक्षिणियों की मूर्ति मिली थी पलवल से ही। एक तीज वाला मंदिर कहां पे स्थित है, पलवल में स्थित है। डबचिक झील मैंने आपको बताया, सुनील लांबा जी के बारे में आपने सुना होगा, भी सुनील लांबा जी, पहले नौसेना अध्यक्ष हुआ करते थे सुनील लांबा जी, वो भी कहां से बिलोंग करते हैं, पलवल से बिलोंग करते हैं, क्या थे, नौसेना अध्यक्ष, पलवल से ही बिलोंग कर रहे। एक आपने कभी नाम सुना, राय बहादुर मुरलीधर, राय बहादुर मुरलीधर, राय बहादुर मुरलीधर, राय बहादुर मुरलीधर भी कहीं से, कहां से बिलोंग करते थे, पलवल से बिलोंग करते थे, पलवल से, कहां से बिलोंग करते थे, पलवल से, राय बहादुर मुरलीधर भी कहां से बिलोंग करते थे, पलवल से बिलोंग करते थे। ये पहले जेल सत्याग्रही हुआ करते थे, पहले जेल सत्याग्रही कहां के, हरियाणा के, हरियाणा के पहले जेल सत्याग्रही कौन होते थे, राय बहादुर मुरलीधर जी। ये इनो इसी इंसान ने, राय बहादुर जी ने ही
मुरलीधर थे, इन्होंने ही 1886 के अंदर कांग्रेस की, किसकी, कांग्रेस की पहली शाखा अंबाला में खुलवाई थी। कांग्रेस की पहली शाखा कहाँ खुली थी, हरियाणा के अंदर अंबाला में खुली थी। वो कब खुली थी, 1886 में अंबाला, 1886 की बात है। आगे बात करते हैं, एक विश्वकर्मा आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे है, विश्वकर्मा आयुष विश्वविद्यालय, ये भी यमुनानगर के अंदर है। आयुष विश्वविद्यालय की बात करते, मैंने आपको बताया एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में, केयू कुरुक्षेत्र के अंदर है, गुरु जम्बेश यूनिवर्सिटी हिसार में है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी हिसार के अंदर है, डिफेंस यूनिवर्सिटी, रक्षा विश्वविद्यालय गुड़गांव के अंदर भी लूँगा, मिठी यूनिवर्सिटी भी गुड़गांव के अंदर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ जंतपाली के अंदर 2008-09 में खुली थी, PRSU चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के अंदर 2014 में खुली थी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में, देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर है, एक मीरपुर यूनिवर्सिटी रेवाड़ी के अंदर है, बताई थी मैंने आपको, YMCA फरीदाबाद में। तो मेरे हिसाब से पलवल डिस्ट्रिक्ट लगभग लगभग पूरा हो गया। अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे, मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में करवाने के बाद अपना फरीदाबाद डिवीजन पूरा हो जाएगा। और जैसा आप सभी से वादा किया गया था कि यहाँ पर हर सब्जेक्ट की क्लासेज होंगी, वैसे लगभग लगभग मेरे हिसाब से सारे सब्जेक्टों के टीचर पहुँच चुके हैं। हरियाणा जी के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सेंटर जी के अपने मालाराम सर पढ़ा रहे हैं, साइंस शंकर सर चंदेला, साइंस शंकर चंदेला सर पढ़ा रहे हैं आपको, मैथ लाखा सर पढ़ा रहे हैं, अर्थमेटिक मैथ पूरा लाखा सर पढ़ाएंगे, एडवांस मैथ है उड़ गए मूलचंद सर, एक दो क्लासेस छोड़ चुके हैं, बाकी अभी क्लासेस रूटीन से स्टार्ट हो जाएंगी उनकी भी। इसके अलावा रीजनिंग अपने हंसराज सर पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे HSSC ग्रुप सी और ग्रुप डी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। आप सभी ने जितना प्यार प्रेम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।